गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइज आज का व्लॉग मैं बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। यह है देखिए अचार लेक, ब्यूटीफुल एंड एडवेंचर लेक सिटी ऑफ कश्मीर। यहाँ से इसका व्यू देखिए कितना मस्त, कितना ऑसम व्यू लग रहा है गाइज। इसके अंदर जाने के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं है, चाहे वो कश्मीर का लेक हो या कहीं का भी लेक हो। आप देखे होंगे कि सब लेक में जाने के लिए बोट होते हैं, बट यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और इस लेक में इतने सारे ये जंगल घास सब आ गए हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है, बाकी सब पानी के अंदर भी जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। बाकी उधर से तो फॉरेस्ट है ही, और वहाँ पे थोड़ा सा साफ पानी दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ है। मैं जूम करके दिखाता हूँ कि उसमें क्या है क्या नहीं। कुछ हलचल सा दिख रहा है उसमें, कुछ तो है गाइस उस पानी में। उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट पानी में तो हलचल आप भी देख सकते हो। मेरे आधे कारपेंटर्स फैमिली घर चले गए, जिसकी वजह से मैं रात में यहीं पे रुक गया था, तो आज मैं जा रहा हूँ रूम पे। गाइज कुछ करने को मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील हो रहा है अंदर से गाइज। आज गाइज मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ जहाँ से मैं कोई फैसला ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता है। अभी गाइज मुझे मन कर गया कि मैं अचार लेक के नज़दीक जाऊँ, तो यहाँ से शायद रास्ता होगा। यहाँ पे गेट लगा हुआ है। यहाँ से ये वाला गेट है, और इधर से गाइज ये रास्ता पता नहीं किसी के घर में बच जाता होगा। वैसे तो इधर गाड़ी वाड़ी का कोई निशान नहीं है कि कोई गाड़ी वाड़ी इधर आता होगा, इधर तो खाली मैं ही चल रहा हूँ। इधर से देखो गाइज आजू बाजू में कहीं से भी कोई नहीं है। गाइज यहाँ पे कश्मीर में टूरिस्ट प्लेस बहुत है, जैसे कि शालीमार हो गया, निषाद हो गया, परिमोहर हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे गार्डन हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, बट गाइज ऐसे एडवेंचर वाले जगह पे कोई नहीं आते हैं। मैं ही हूँ गाइज सरफिरा इंसान, जो कंटेंट के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट कंटेंट दे सकूँ और आप लोग फुल इंजॉय कर सको। यहाँ से तो गाइज अलग ही दिख रहा है सब कुछ, एकदम अलग। ओ भाई साहब इधर से देखो, अरे ये तो डेंजरस लग रहा है भाई, बिल्कुल ऑसम भी है, एडवेंचर का तो पूछना ही नहीं है। और यहाँ पे देखो गाइस काई है, इसमें पैर भी स्लिप होता है। देखो मुझे डर लगता है कि मैं लुढ़क के उधर मत चला जाऊँ। ओ भाई इसने तो मुझे डरा ही दिया यहाँ से। अब गाइस हम देखते हैं कि इसके नीचे कैसे जाएंगे, तब मज़ा आएगा, उधर मज़ा आएगा सच में। चलते हैं उधर ही। यहाँ पे गाइज ये घर है, और इस घर में पता नहीं कोई रहता भी है या नहीं। लाइट जल रहा है तो होंगे ज़रूर, बट अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, सुनसान इलाका है। इधर से ये छोटे छोटे कुछ बनाया हुआ है, पानी है शायद, इसमें मछली मत पालते होंगे। चलते हैं नीचे देखते हैं, सुनसान इलाका है गाइज, कहीं पे कोई नहीं है। डर भी लग रहा है मुझे कि कहीं से कोई जानवर ना आ जाए। ये देखिए केवला, इसी को बोलते हैं केवला का फूल। अब यहाँ तक आ गए गाइज, तो चलते हैं थोड़ा इधर भी घूम लेते हैं, इधर का भी व्यू देख लेते हैं कैसा है क्या है इधर। अरे भाई केवला का फूल तो यहाँ पर बहुत लगा हुआ है, ये भी है केवला का ही फूल। देखिए अभी ये निकला नहीं है फ्लावर अभी इसमें। इधर से देखिए गाइज ये प्यारा सा है लकड़ी का ब्रिज, तो इसी ब्रिज को पार करते हैं। अरे सही है, ये क्या बना हुआ है गाइज ये आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। क्योंकि अगर इसमें मछली होती तो कहीं ना कहीं से तो दिखती कि इसमें मछली का पालन हो रहा है, ऐसा कुछ सीन यहाँ पे है नहीं। यहाँ से गाइज देखिए इन जंगलों का व्यू, अरे भाई ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है भाई। तो अभी गाइज बहुत घूम लिया, बहुत वीडियो बना लिया इधर का, अकेले हूँ गाइज, थोड़ा उधर से चलते हैं। देखो गाइज कितना इसका साफ सफाई से ये ईंट का चुनाई किया गया है, और इसमें पानी मुझे लगता नहीं है कि भरा हुआ तो है पानी, बट मुझे लगता नहीं है कि ये ज़्यादा मतलब गहरा होगा। मछली का पालन अगर किए होते तो मछलियाँ तो इसमें ऐसे ही छलांग लगा रही होती जैसे इसमें है। देखिए ये तो अलग ही दिख रहा है। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो इसमें भी देखते हैं कि इसमें क्या है। अरे ओ भाई इसमें तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, देखो देखो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रही है।
बट ये नेट लगा हुआ है ना, इस नेट की वजह से नहीं दिख रही है। इधर से पानी आ रहा है, उधर से नाला कुछ बना हुआ है। यहाँ से देखिए ये पानी पता नहीं कहाँ से पहाड़ों पर से आ रहा होगा कहीं से। ये तो गजब ही भाई। उधर भी कुछ है बट उधर मैं नहीं जाऊंगा। इधर से देखो कितने खतरनाक फॉरेस्ट दिख रहे हैं। तो अभी चलते हैं गाइज, इधर जितना वीडियो करना था कर लिए, और भी उधर भी जा सकते हैं बट उधर मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि उधर जानवरों का थोड़ा खतरा है। जब मैं टीम के साथ आऊंगा ना तब उधर जाऊंगा। अकेले थोड़ा डर लगता है गाइज, किसी को भी डर लगेगा। आप अगर मेरी जगह पर रहोगे तो आपको भी डर लगेगा। मैं तो उधर से घूम के आया था, अभी मैं यहीं से चढ़ लेता हूँ। वैसे पैर भी फिसल रहा है, अकेले हूँ ना गाइज, क्या करूँ। ए टू जेड जितना काम होता है सब अकेले करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज यहाँ से भी मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। आपका काम है लाइक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर देना गाइज। आप देखते रहिए मैं कश्मीर के कैसे कैसे ऐतिहासिक इंजॉयफुल नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। गाइज 8:30 बजे मैं रूम में पहुंच गया और अभी टाइम देखिए 09:26 हो गया है। तब से लाइट गया अभी तक नहीं आया। ये प्रॉब्लम गाइज होता रहता है जिसकी वजह से कभी कभी मेरा ब्लॉग भी आने में लेट हो जाता है। कभी कभी किसी किसी दिन आता भी नहीं है गाइज। जब लाइट ही नहीं रहेगा तो क्या ही करेंगे, जब डिवाइस चार्ज होगा तभी तो कुछ कर पाएंगे गाइज। यही प्रॉब्लम होता रहता है यहाँ पे। चलिए आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं गाइज जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।